आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिरयानी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि बहुत सारी बिरयानी रेसिपीज़ का एक मिक्सचर है, पर बनती बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। और इस बिरयानी को खाने के लिए मैंने एक रायते की रेसिपी भी डाली है, आप उसको भी ज़रूर साथ में बना के देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिरयानी के लिए सबसे पहले हम मैरिनेट बनाएंगे, तो यहाँ मैंने एक कप थिक दही लिया है, हंकर्ड समझ लें आप। इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच बिरयानी मसाला, तो आप घर का यूज़ कर सकते हैं, मैंने रेसिपी डाली हुई है, नहीं तो आप बाज़ार का यूज़ कर लें, आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। इसमें डालेंगे तेल, तो करीब 1/4 कप तेल डालेंगे इसमें। इसमें जाएगा काफ़ी सारा हरा धनिया, मिंट, तो मिंट को बस तोड़ के डाल दें इस तरह से। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, जो कि मैंने एकदम फ्रेश कूटा है, तो एक बड़ा चम्मच डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड अनियंस, तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल गरम करके अनियन को उसमें लच्छा करके डाल दिया था, और ये इस तरह की फ्राई हो गई है। तो करीब ये 4 अनियंस थे, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़े से अनियंस इसमें डाल दूँगी, मतलब करीब आधा अनियन इसमें डाल देंगे हम फ्राई किया हुआ, और जो इसका बचा हुआ तेल होता है वो हम इसको बाद में बिरयानी बनाने में यूज़ करेंगे। हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिरयानी जो है अलग अलग तरीक़ों से बनती है, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आप ये वाला मेथड भी कभी ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके तैयार होती है। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सब्जियां, तो मेरे पास है कटा हुआ गोभी, गाजर, आलू और थोड़े से बीन्स, और इसके साथ है मेरे पास सोया चंक्स, जिसको कि मैंने बॉइल करके और अच्छे से इनका पानी स्क्वीज़ करके निकाल दिया था, और यहाँ हैं 2 टमाटर मोटे कटे हुए। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको हाथ से अच्छे से मिला लूँगी। तो इसमें अभी हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें नमक डाल देंगे तो सारी सब्ज़ियाँ जो है वो पानी छोड़ देंगी, और फिर बिरयानी जो है मज़ेदार नहीं बनेगी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, हम इसको बस 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि सारा मसाला जो है सब्ज़ियों में एब्जॉर्ब हो जाए। जब तक सब्जियां मैरिनेट हो रही हैं, हम चावल तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक भगोने में पानी गर्म किया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ते, 2 नींबू के टुकड़े, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के, इसके साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटा मेज़ का टुकड़ा, स्टार एनीस, थोड़ा सा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और कुछ काली मिर्चें। इसके साथ ही इसमें डालेंगे अच्छे से नमक, तो नमक ठीक से डालें, जिससे कि चावल जो है खाने में टेस्टलेस ना लगे बाद में। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, और अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल। तो ये बासमती राइस है, जिसको कि मैंने धो के और 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, और उसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। तो ये 2 कप चावल का इस्तेमाल किया है मैंने, और अब हमें चावल को 80% तक कुक करना है, मतलब पूरा गलाना नहीं है, हल्का सा कच्चा रखना है। और अब बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक बड़ा सा भगोना लिया है, और इसमें हम डाल देंगे तेल, तो जिस तेल में हमने प्याज भूनी थी ये बचा हुआ तेल है उसका, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे, क्योंकि ये अभी कम है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, तेल अब गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हल्का सा भुन गया है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि बाद में सब्जियों के साथ भी भुनेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे ये मैरिनेट की हुई वेजिटेबल्स, इनको अब हमें बहुत अच्छे से भूनना है, और इनको हमें ऑलमोस्ट 80% तक पका लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन कुटा हुआ और इसको फिर से चला देंगे। तो ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा और चला दिया है, और इसको हम कवर कर देंगे, और इसको कभी करीब पकने में 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। सब्जियों को भुनते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें एक बार फिर से चला देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक चावल में भी था, तो आप सिर्फ सब्जियों के हिसाब से नमक डालें आप। और नमक को हमने इस टाइम पे थोड़ा सा लेट इसलिए डाला है, जिससे कि पहले सब्जियां अच्छे से भुन सकें। अगर पहले से नमक डाल देंगे तो वो पानी छोड़ देंगी और सब्जियाँ अच्छे से भुनेंगी नहीं। इसको ढक देंगे और फिर से पकने देंगे। चावल को पकते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, आइए हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखें आप, अच्छे से बड़ा हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह कुक नहीं हुआ है। बस इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, गैस को ऑफ़ कर देना है, और हम इसका पानी छान के अलग कर देंगे।
और अब हम इस चावल को एक बड़े से बर्तन पे फैला देंगे जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। तो जब तक सब्जियां पक रही हैं हम इसके लिए रायता तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, एक लहसुन, एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा काला नमक और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि आसानी से पिस सके और बस इसको हमें पीसना है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है और यहाँ मैंने एक बोल में दही ले रखा है, हम इसको इसमें डाल देंगे। और क्योंकि ये जो रायता है थोड़ा पतला बनता है तो हम ये मिक्सी का जार धो के वापस इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सादा नमक और बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रायता भी मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, मैं क्या करूँगी इसमें पानी और डालूँगी। तो ये बिल्कुल तैयार है, हम साइड में रख लेंगे और आइए फटाफट सब्जियाँ चेक करते हैं। तो हमारी सब्जियाँ देखिए क्या बढ़िया तरीके से पक चुकी हैं। हम क्या करेंगे एक बार इनको बहुत अच्छे से फिर से मिला देंगे और इस टाइम आप सब्ज़ी में नमक भी टेस्ट कर लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो थोड़ा सा और डाल लें। और इनको हम अच्छे से इस तरह से फैला देंगे बर्तन पे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये राइस जो हमने कुक किए थे। और अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल एक साथ फैला देंगे बर्तन पे। तो ये देखिए हम इसको एक सार कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते, इसमें डालेंगे हम केसर। तो इस केसर को मैंने गर्म दूध में अच्छे से घोल लिया था, इसको डाल देंगे हम। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ अनियन जो कि हमने बचाया था। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े फ्राई किए हुए काजू। और अब हम इसको ढक देंगे और हमें इसको दम लगाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा जो तवा है वो गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे किया है उसको। और जो हमारा बिरयानी वाला बर्तन है हम उसको इस तरह से इस पे रख देंगे। और अब हम इसके ऊपर कोई भी एक भारी चीज़ रख देंगे और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक दम होने देंगे। बिरयानी को दम होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए क्या बढ़िया दिख रही है, बहुत ही मज़ेदार सा कलर है और बहुत बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है। तो आइए फटाफट इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा चावल अंदर तक एकदम खिला खिला है। और ये देखिए हम पहले इसको निकाल लेंगे नीचे से थोड़ा। ये देखिए क्या खिला खिला चावल है हमारा एक एक। और ये रहा हमारा रायता। तो आज का लंच हमारा तो तैयार है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या खिली खिली बिरयानी बनी है हमारी, एकदम एक एक चावल का दाना अलग। तो अब जब भी आपके घर पार्टी हो या आपका कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप की बिरयानी खाने का मन करे तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाने में आसान, खाने में बहुत ही मज़ेदार। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।